मिस्टर शर्मा जी। हाँ जी कहिए। नमस्ते मैडम, क्या मिस्टर शर्मा का घर यही है? हाँ जी यही मिस्टर शर्मा का घर है, क्या काम है बोलिए। उनके नाम की चिट्ठी आई है मैडम। हाँ जी दो। वैसे उनको इस समाज में चिट्ठी कौन लिख सकता है, चलो देखते हैं। अरे भाई सुबह सुबह कौन आया था? था कोई डाकिया, तुम्हारे नाम की चिट्ठी दे गया। मेरे लिए चिट्ठी कहाँ है, दो मैं खुद पढ़ूंगी। मैं क्या पढ़ नहीं सकती, मैं भी तो देखूं इस जमाने में कौन आपको चिट्ठी लिखता है। अरे दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़ते। तुम तो यही कहोगे ना, रखी होगी बाहर कोई नागिन मेरी सौतेली। क्या, अरे पागल हो गई है तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ हाँ अब तो मैं तुम्हें पागल ही लगूंगी ना, मिल गई होगी कोई पुरानी चाहने वाली। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, किस्मत ही फूटी है, किस आदमी के पल्ले पड़ गई मैं। लो अभी ने देख लो। अरे पापा मम्मी आज फिर आप सुबह सुबह शुरू हो गए, आखिर किस बात की लड़ाई हो रही है सुबह सुबह। बेटा तेरे बाप को किसी की चिट्ठी आई है। अच्छा चिट्ठी किसकी? होगी कोई चाहने वाली चुड़ैल। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो तुम हैवान कहीं के। तो मम्मी इधर दो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ बेटा हाँ लो पढ़ो, खोल दो हैवान का काला चिट्ठा सबके सामने। मेरे प्रिय बाबू। ए भगवान मेरे प्रिय बाबू, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रही मैं, ए भगवान मुझे उठा लो। आशा करती हूँ तुम ठीक होंगे। हाँ इस इंसान को तो मौत भी कैसे आएगी, दो जगह से तो इसको करवा चौथ के व्रत होते हैं। मैं तो लुट गई। शायद तुम्हें याद होगा जब तुम्हें रातों को मेरी याद आती थी तो तुम बाहर निकलकर चांद को देखा करते थे और तुम्हें उसमें मेरा चेहरा नजर आता था। अरे ये आदमी मुझे क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या देखना होगा मुझे, तभी मैं सोचूं कि आधी आधी रात ये आदमी बेटा बालकनी पे क्यों हो जाता था, ये उस चांद को देखने जाता था। बेटा आगे पढ़ो। मैंने तुम्हें इतनी सालों बाद इसलिए खत लिखा क्योंकि तुम्हें याद होगा 25 साल पहले तुमने मुझे एक निशानी दी थी, आज वो निशानी 24 साल की हो गई है। Oh no! मुझे मौत आ जाए बेटा, ये धरती पर जाए और उसमें मैं समा जाऊं। आगे बढ़ो बेटा, देखते हैं इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, आपकी प्यारी दुलारी डार्लिंग मधुबाला। मेरी सहेलियाँ सही कहती थी ये आदमी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भी मैंने इसके साथ शादी की, बूढ़ी किस्मत मेरी। अच्छा तो लव यू मेरे सुरेश वर्मा Oh no! लेकिन पापा तो शर्मा है। मैं शर्मा वो वर्मा, हद होती है यार, शक करने की एक हद होती है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। मैं ना कहती थी बेटा क्या बर्मा शर्मा बर्मा। बेटा मैं कहती थी ना तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ।